बीएड धारकों को प्राथमिक अध्यापक की नियुक्ति में शामिल न किए जाने की मांग को लेकर ऑल बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने शनिवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी मांग संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री को प्रेषित किया। एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि 29 जून 2018 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2010 में पारित अधिसूचना में संशोधन करके बीएड धारकों को प्राथमिक विद्यालय में नियुक्ति किए जाने का आदेश जारी हुआ, जिससे बीटीसी धारकों की नियुक्तियों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए बीएड धारकों को इन नियुक्ति से बाहर रखा जाना चाहिए। ज्ञापन सौंपे जाने के दौरान अंकुर कुमार, मुकुंद सिंह, शीतल पाठक, ब्रिजेश राजभर, प्रियंका शाही सहित एसोसिएशन के कई सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीटीसी धारक अनिल प्रताप ने कहा, वर्तमान समय में बीएड अभ्यर्थियों को बीटीसी वालों को मतलब शिक्षक भर्ती में शामिल करने के विरोध में आज हम लोग प्रदर्शन किए हैं, क्योंकि अगर हम उन लोगों का मतलब जहां अधिकार हो वो अपने वहां पे रहें, हम लोग का जो शिक्षक भर्ती है जहां वहां में रहना चाहिए, तो अगर आ रहे हैं तो हमें भी उनका वो हक मिलना चाहिए, तो उनका जहाँ वो है वो अपना रहें। खतरा ये है कि जैसे हम लोग की अभी 5 लाख लगभग संख्या है पूरे प्रदेश में, अभी हम लोग की नियुक्ति नहीं हुई है, इसके पिछले बैच 14 हैं उनका भी नहीं हुआ है, अब उसमें इन लोग को भी शामिल कर दिया जा रहा है, तो हम लोग को उससे दिक्कत हो रही है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग ये कि जो अधिसूचना जारी हुई है विकास मंत्रालय द्वारा उसको वापस करें, जो जैसे था वैसे रखा जाए, हम लोग को हमें अपने भर्ती में शामिल किया जाए, उनको उनके भर्ती।